ओम श्री विद्याय नमः। मित्रों, सभी कुंभ राशि वालों को हर हर महादेव। और आज हम कुंभ राशि वालों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं। मई के महीने में, लगभग 15 मई के बाद, कुंभ राशि वालों के जीवन में एक आकस्मिक परिवर्तन आ सकता है। उसके मुख्य कारण है चार ग्रह। इस मई के महीने में चार ग्रह अपनी चाल में कुछ मुख्य बदलाव करने जा रहे हैं। हालांकि उनमें सबसे ज़्यादा मेन रोल तो जो देखा जाएगा, एक तो सूर्य, मंगल और सबसे ज़्यादा जो है बुध महाराज का उदय होना आपके तीसरे घर में, जो बेहद शुभ है। इसके अलावा कुंभ राशि वालों के लिए जो शुक्र की स्थिति है वह भी काफ़ी लाभदायक सिद्ध होने वाली है। शुक्र की स्थिति भी आपको बहुत लाभ दिलाएगी। और मुख्य रूप से इस मई के महीने में टोटल 11 ऐसी घटनाएँ हैं जो हमने आज की वीडियो में ली है, यानी 11 विषयों पर हम आपको बात बताने वाले हैं। हमने मुख्य रूप से 11 टाइटल्स हैं, 11 हेडिंग्स हैं, वे हमने लिखी हैं ग्रह गोचर के अनुसार। परंतु इसके साथ साथ ही कुछ मई के महीने में ग्रह दोष भी बन रहे हैं, उनके लिए आपको तीन उपाय मेन करने हैं मई के महीने में। अब वे क्या उपाय हैं और कैसे आपको करने हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। साथ में 13, अब आपको 11 घटनाएं बताई जाएंगी और जो मुख्य चार ग्रह हैं वे इस समय मई के महीने में क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी के अंदर, लाइफ के अंदर करने वाले हैं, इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। सो मित्रों, आज के वीडियो को प्रारंभ करने से पहले, सबसे पहले मैं वैदिक ज्योतिषाचार्य शिवम शर्मा, एस्ट्रोलॉजर शिवम शर्मा, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज के मुख्य कार्यक्रम में। और माँ श्री विद्या त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ यानी SVTSS यूट्यूब चैनल पर जो पहली बार आए हैं, उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक शेयर जरूर करें और अपनी बहुमूल्य प्रतिक्रिया कमेंट के माध्यम से हमें अवश्य आप दें। और जो भी जातक मुझसे अपने जन्म पत्रिका का परामर्श कराना चाहते हैं, वे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर कि जो 11 पॉइंट्स हैं यानी 11 हेडिंग्स हैं, क्या क्या बदलाव आपकी ज़िंदगी के अंदर इस मई के महीने में हो सकता है, या मई का महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। मई मंथली हॉरोस्कोप, मासिक राशिफल। देखिए मित्रों, सबसे पहले आप ग्रह गोचर को समझिए। शुक्र 2 मई को मिथुन राशि में आ गए हैं। ये मई की शुरुआत में ही आपके जो है पंचम भाव में आ गए, और इनका पंचम भाव में होना बेहद शुभ माना जा रहा है कुंभ राशि वालों के लिए, क्योंकि कुंभ राशि के ये त्रिकोण भाव के मालिक होते हैं और दूसरे त्रिकोण से संपर्क कर रहे हैं। ऐसे में ये आपके भाग्य को जगाने का काम करते हैं। आपके भाग्य से आपको सफलता मिलती है आपके किसी भी कार्य में। दूसरा क्या है कि बुध महाराज जो है वह आपके तीसरे घर में उदय होने जा रहे हैं 15 मई को, मतलब हो गए। तो 15 मई को बुध का आपके तीसरे घर में उदय होना क्या है, आपकी मेहनत में सफलता के योग बनाते हैं। आप जब भी कोई भी कार्य में सफलता करने के लिए आप मेहनत करते हैं तो उस मेहनत में क्या है, बुद्धि क्षमता व्यक्ति की बढ़ा देते हैं, तर्क शक्ति बढ़ा देते हैं, और उससे व्यक्ति काफ़ी ईजीली अपने कामों को सोच पाता है, कर पाता है। अब यहाँ पर दो मुख्य ग्रह आते हैं, एक तो सूर्य महाराज और एक मंगल महाराज। ये दोनों ही कुंभ राशि वालों के लिए थोड़ा नेगेटिव फल करते हैं। अब सूर्य की चतुर्थ भाव में स्थिति बनेगी, यानी कि ये 15 मई को आपके चौथे घर में आ गए, और जो मंगल हैं वो छठे घर में कर्क राशि पे नीच के होकर के बैठ गए। इन दोनों के लिए ही कुछ उपाय भी आपको करना है। तो सबसे पहली घटना क्या है, सबसे पहली घटना ये है कि धन, परिवार और कैरियर और स्वास्थ्य, अगर इन सभी चीज़ों की ओवरऑल बात करें कि ये पूरे मई के महीने में कैसा रहने वाला, तो मैं आपको बताऊं कि इन सभी चीज़ों के लिए मई का महीना मिला जुला या बैलेंस रह सकता है। इसमें ज़्यादा हम अच्छा नहीं कह सकते, ज़्यादा ख़राब भी नहीं कह सकते। अगर प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं लॉस भी है। ये चीज़ें आपको देख करके चलनी चाहिए। दूसरी घटना क्या है कि आप देखें, बृहस्पति की भी स्थिति तीसरे घर में है, इधर शनि आपके लग्न में आपकी राशि के ऊपर कुंभ राशि पर विद्यमान है पहले से, और भाग्य के घर में केतु की स्थिति है तुला राशि के ऊपर। तो ये क्या कराती हैं, ये चीज़ें बताती हैं कि व्यक्ति को इस समय
आध्यात्मिक चीज़ों से ज़्यादा लाभ होगा। आध्यात्मिक चीज़ों के माध्यम से आध्यात्मिक चीज़ों को पूर्ति करने के लिए व्यक्ति विदेश यात्रा कर सकता है। बाहर की यात्रा से ऐसे तीर्थ स्थल पर, तीर्थ पटल पर जाना और वहाँ पर हमारी भेंट किसी ऐसे व्यक्ति से हो, किसी ऐसे संत से हो, किसी ऐसे कोई भी व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो हमारे कार्य को एक नई दिशा दे सकता है। तो आध्यात्मिक चीज़ों से यात्रा और लाभ के संकेत इस समय मिलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरी घटना क्या है कि अब करियर की यदि बात करें तो आपके करियर के मुख्य ग्रह दो ही होते हैं, सूर्य और मंगल। ये दोनों ही अभी थोड़ा सा ठीक अवस्था में नहीं है। ठीक अवस्था का क्या मतलब है कि मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ में निगेटिव थोड़ा कर सकते हैं। हालांकि इनके कारण से टोटली सारा आपका करियर डिस्टर्ब नहीं होगा, आपके करियर के लिए एक बहुत अच्छी भविष्यवाणी भी इन सारे पॉइंट्स के अंदर है। देखिए, मंगल जो है वो आपके करियर के मालिक हैं। अब जो भी ग्रह राजयेश होता है, वह छठे आठवें बारहवें में जब भी उसकी प्लेसमेंट होती है तो कुछ ना कुछ वहाँ पर चुनौतियाँ व्यक्ति की बढ़ा देता है। अब करियर में इस समय क्या होगा, इस कारण से आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ेगी और कुछ चुनौतियों का सामना भी आपको इस मई के महीने में करना पड़ सकता है, जो भी जॉब में व्यक्ति हैं। और चौथा पॉइंट क्या है, चौथी घटना यह है कि अब आपको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान देखने का आपको काम करना है, स्वास्थ्य का ध्यान आपको जरूरी रखना है। पांचवी घटना क्या है कि इस पांचवी घटना में स्वास्थ्य में किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे पीठ कमर से जुड़ी परेशानी, टेंशन, चिंता या तनाव, ये चीज़ें फ़िलहाल की अवधि में थोड़ा घेर सकती हैं आपको। तो इसलिए आपको क्या है, एक सलाह भी दी जाती है कि आपको मुख्य रूप से परेशानी कब होगी, जब आप लंबी दूरी की यात्राएँ करें। तो लंबी दूरी की जब भी यात्रा करें तो अपने पास में जो भी आपकी, जैसे कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो जनरली कभी भी समस्या होती है, पेट में दर्द, एसिड बनना और सिर दर्द की समस्या या मांसपेशियों के दर्द में, तो इन सभी चीज़ों की मेडिसिन या दवाई कुछ आपको अपने पास इमरजेंसी के लिए रखनी है, जैसे उल्टी इत्यादि। तो ये आपको सलाह दी जाती है, हमारी पांच घटनाएं हो गई। छठी घटना क्या है कि करियर के यदि हम बात करें तो भले ही आपके ऊपर चुनौतियां रहें काम में, भले ही आप काम की टेंशन को थोड़ा देखें, परंतु ये बात पक्की है कि इस समय करियर में आपको एक संतुष्टि की भावना ज़रूर मिलेगी। संतुष्टि कैसी, कि यदि व्यक्ति काम करता है तो उस काम को उसका जो बेनिफिट है, जो धन लाभ है, वह भी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है। इसको बोलते हैं संतुष्टि। यदि मैं किसी काम को कर रहा हूँ, वह काम 100 रुपये का है और मुझे उस काम में 100 या 110 रुपये प्राप्त हो रहे हैं, तो मुझे संतुष्टि रहेगी कि मुझे अपने काम की पूरी वैल्यू प्राप्त हुई है। तो करियर में संतुष्टि की भावना आपको जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि सूर्य कहीं ना कहीं चौथे घर में बैठे हैं परंतु आपके करियर को सप्तम दृष्टि से देख रहे हैं। तो एक ये बात रही कि संतुष्टि की भावना आपको देखने वाली है, आपको रहने वाली। सातवीं घटना क्या है कि अब हमारे जो सहकर्मी हैं या उच्चाधिकारी हैं, ये शनि महाराज के प्रभाव से काम होगा। आपके जो सहकर्मी हैं, उच्चाधिकारी है, उससे आपको जो है सराहना मिलेगी, यानी कि वे आपको जो है मोटिवेट करेंगे और आपको एक अलग ही भावना महसूस होगी कि हाँ, मेरे साथ काम करने वाले या मेरे जो भी उच्चाधिकारी हैं मेरे से ऊपर, वे मुझे एक पॉजिटिव वाइब्रेशन दे रहे हैं इस समय। ये हमारी सातवीं घटना हुई। अब आठवीं घटना क्या है, आठवीं घटना यह है कि अब कड़ी मेहनत के बाद अब तक जो काम नहीं हो रहा था वह अब होगा। अब तक आप मेहनत कर रहे थे पर उसका मेहनत करना तो आपको फल मिल रहा था और आपके काम की तारीफ थोड़ी सी कम की जा रही थी या नहीं की जा रही थी, उसके रीजंस बहुत सारे हैं। अब क्या होगा, कड़ी मेहनत के बाद में अब जाकर आपके काम की तारीफ की जाएगी, इसलिए आप उसकी भी चिंता न करें। नौवीं घटना यह है कि जो बिजनेस करने वाले हैं, व्यापारी मुख्य रूप से, उनके लिए ये महीना कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं रह सकता, परंतु लाभ होगा पर लाभ कम होगा। दसवीं घटना यह है कि इस समय साझेदारी किसी भी प्रकार की ठीक नहीं है, साझेदारी में नुकसान हो सकता है, नुकसान होने की संभावना है, तो पार्टनरशिप से बच के रहें तो ही आपको लाभ हो सकता है। और हमारी ये तो 10 घटनाएँ हो गई। ग्यारहवीं घटना यह है कि यदि प्रेम स्वास्थ्य की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, तो पंचम भाव में शुक्र की स्थिति है, तो शुरुआत के कुछ महीने, कुछ दिन तक तो कुछ खटास, मधुरता में कमी
प्रेम स्वभाव में देखने को मिल सकती है, परंतु लगभग ये 15 मई के बाद में शुक्र धीरे धीरे अपना प्रभाव देना शुरू करेंगे और धीरे धीरे लव अट्रैक्शन, रोमांस या विवाह इत्यादि इन सभी चीज़ों के लिए अच्छा बदलाव आएगा। परंतु विवाह योगों की अगर बात करें कि क्या कुंभ राशि वालों के लिए विवाह का योग चल रहा है, तो देखिए मित्रों, बृहस्पति और राहु इनकी जो युति है ये आपके तीसरे घर में बनी हुई है। बृहस्पति पंचम दृष्टि से आपके विवाह के घर को देख तो रहे हैं, परंतु साथ साथ राहु भी वहाँ पर विवाह के भाव को देख रहे हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि विवाह होने के योग तो हैं, परंतु चांडाल दोष के कारण से कहीं ना कहीं कुछ अड़चन आ सकती है इस कार्य में। अब हम बात करते हैं उपायों की कि इस अवधि में ये जो हमने बताया पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके लिए आपको 3 मुख्य कौन से उपाय हैं जो आपको करने चाहिए। सबसे पहला तो यही है कि हर शनिवार को आपको शनि चालीसा का पाठ जरूर करना। दूसरा उपाय है कि 108 बार आपको ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जो है जाप करना है 108 बार। और तीसरा, मंगलवार को, प्रत्येक मंगलवार को लाल रंग का फूल हनुमान जी के चरणों में रख करके आना है और उनसे अपनी अरदास जरूर लगानी है। ये ही उपाय आपको सबसे ज़्यादा लाभ भी देंगे और आपके कार्यों को सिद्ध भी करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जिन जातकों को वीडियो अच्छी लगी हो वे लाइक शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम श्री विद्याय नमः।